Hey guys, good morning and welcome back to my channel. काफ़ी लेट ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में थोड़ा माहौल वगैरह भी ठीक नहीं है जब से दादाजी एक्सपायर हुए हैं. संडे को कल हो जाएगा वो तीन कच्चा खाना जो भी उसको कहते हैं, कल सब लोग कंचे होंगे. उसके बाद से मैं मंडे से कहीं भी जा सकता हूँ, तो अभी इसीलिए फिलहाल घर पे हूँ. मैं पढ़ रहा था, उसके बाद थोड़ा एनिमे देखा. अभी IPL स्टार्ट हुई है, मामा घर पे आए हुए हैं ना, तो कह रहे हैं अगर फ्री हो तो आ जाओ. तो मैं जाऊँ आगे अपने रूम में, IPL देखेंगे. आज LSG और गुजरात टाइटन का मैच है, देखते हैं मज़ा आने वाला है. और वही सीन है, और क्या ही बोलूँ. ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है कुछ जब से दादी एक्सपायर हुए हैं, लेकिन अब मैं स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता जब तक मुझे, मतलब 4 महीने हो चुके हैं. मैंने सोचा जब तक मैं कर सकता हूँ ब्लॉगिंग डेली तब तक करूँगा. वही सीन है, अब ज़्यादा क्या ही बोलूँ. अभी जा रहा हूँ IPL देखने, उसके बाद कुछ शूट करते हैं, थोड़ा बहुत दिखा दूँगा. बाहर तो ऑब्वियसली जाऊँगा ही नहीं, घर ही पे रहूँगा मैं. ओके गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है. दादाजी के घर से जितना भी उनके रूम का सामान था सब कुछ सफाई वफाई हो गई है, और कुछ सामान यहाँ भी ले आए हैं, बेकार बेकार सब हटा दिया गया है. आज तो पूरे दिन से वही चल रहा है, और टेंट वगैरह सब लग गया होता है. कल होगा सारा जो भी काम धाम जो भी होता है वो होगा, तो कल सुबह सुबह ही निकालना है, इसलिए जल्दी सो जाऊंगा आज. वही सीन है. और फिर उसके बाद संडे के बाद फिर मंडे से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अभी शूट नहीं किया मैंने लास्ट ब्लॉग भी, ऐसी ऑब्वियसली ऐसी रूम में ही शूट कर रहा हूँ. कुछ ज़्यादा क्या ही दिखाऊंगा भाई इसमें, क्योंकि घर का पूरा ऐसा माहौल ही थोड़ा सैड सैड सा रहता है ना, तो इसलिए अभी फिलहाल ठीक है. वैसे हम लोग इतना भी वो नहीं है, तो कह सकते हो काइंड ऑफ सेलिब्रेट ही किया, जैसे वो पैसे सिक्के कुछ उसमें उड़ाते हुए नहीं जाते हैं, क्योंकि 83 ईयर्स भाई बहुत ज़्यादा एज होती है. 83 ईयर्स अगर किसी ने जी लिया ना, मतलब समझ जाओ अपनी ज़िंदगी जी ली आज के टाइम में. तो इसीलिए भाई पापा ने तो उसके साथ पूरा जो जब लेके नहीं जाते हैं कंधे पे, तो जो वाईफाई जो भी होता है उसके साथ सिक्के मिला के फेंक रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे काइंड ऑफ, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी जी है अच्छे से. तो वही है, इसीलिए किसी को इतना दुख नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वही सीन है, ऑब्वियसली सैड तो है सब. हाँ, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, बहुत सही बात रिपीट कर रहा हूँ. वही सीन है, अभी बस मैं IPL ही देख रहा था, और अभी बैठ के थोड़ी देर पढ़ूँगा और फिर खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी जाना है. शायद मम्मी पापा लोग तो 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, मैं शायद 8 या 9 बजे तक जाऊँगा. उसके बाद सब लोग आने वाले हैं. अब देखो भाई लाइन से पूरा खानदान में सब गंजे होंगे, मेरे घर में 7 लोग हैं, मुझे लग रहा 20+ लोग तो होंगे, 20 या 15+ लोग, 15 नहीं यार 20+ तो आराम से लोग गंजे होंगे. मेरा बहुत बड़ा परिवार है, गांव में भी बहुत सारे हैं, रिलेटिव बहुत ज़्यादा है मेरे, बहुत सारा, मतलब मेरे ही घर में 11 लोग हैं भाई, जॉइंट फैमिली हम लोग, तो खुद ही समझ जाओ. वही सीन है, अभी बस क्या ही बोलो. ओके गाइस, ये देख सकते हो रात के 9 बज चुके हैं. अभी कुछ शूट नहीं किया मैंने, ऑब्वियसली ये 2-3 दिन से व्लॉग आप ऐसे ही देखोगे. मंडे से प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे जैसे मैं बनाता हूँ, और ट्राई करूँगा कि जिम भी चला जाऊँ, क्योंकि 12 तो बज जाता है, बस ट्राई करूँगा. और बाकी पढ़ रहा हूँ फिलहाल, अभी इसी के साथ व्लॉग एंड करता हूँ, छोटा सा ही बना रखा होगा. बस कल का काम और है, उसके बाद मंडे से फ्री, मतलब नॉर्मल काम कर सकते हैं. मैं नॉर्मल फिर व्लॉग बनाऊँगा, पढ़ूँगा, और हो सके जिम भी जाऊँगा. इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ व्लॉग को एंड कर देता हूँ. कल हो जाऊँगा मैं गंजा, तो देख लेना भाई. इस बीएड वैसे नहीं जाएगी, मैंने पूछा था मम्मी से, मैंने कहा नहीं सिर्फ बाल जाएगी, बीएड तो नहीं जाएगी. तो वही सीन है, इसी साथ व्लॉग एंड करता हूँ. अब आप मेरे को नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे सीधा गंजा. वैसे मैं हो चुका हूँ गंजा इससे पहले भी, पता नहीं मैं उस टाइम व्लॉगिंग करता था कि नहीं, लेकिन इस बार हो जाऊँगा. लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और शॉर्ट्स देख लेना, शॉर्ट्स तो मैं अपलोड कर रखे हैं, ब्लॉग का ही पसंद आएगा. बाय बाय.